www.meanewsmenu.com। अगर दिन की शुरुआत बढ़िया चाय की चुस्की के साथ हो जाए तो मजा आ जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला चाय बनाना। मसाला चाय बनाने के लिए हम लेंगे सौंफ 3 चम्मच, दालचीनी 1 इंच, लौंग 4, 25 से 30 छोटी इलायची, आधा चम्मच सौंठ या जिंजर पाउडर। इतने इंग्रेडिएंट से हम 20 कप चाय का मसाला बना सकते हैं। 3 कप चाय के लिए हम लेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी या स्वाद अनुसार, पानी 2 कप, दूध 1 कप। अब हम तैयार करते हैं चाय का मसाला। मिक्सी जार में हम इलायची, दालचीनी, लौंग और सौंफ पीस लेंगे। हमने सारे मसाले पीस लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। इस पीसे हुए मसाले को हम जिंजर पाउडर के साथ मिला लेंगे। इस मसाले को हम टाइट ढक्कन की बोतल में भर के रख लेंगे और चाय बनाते वक्त इसे इस्तेमाल करेंगे। 3 कप चाय के लिए हम आधा चम्मच मसाला यूज करेंगे। आइए अब हम चाय बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस जला लेंगे और ढक्कन में पानी डाल लेंगे। पानी में हम आधा चम्मच मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह उबाल लेंगे। पानी अच्छी तरह उबल चुका है और मसाले ने अपने पूरे फ्लेवर छोड़ दिए हैं। और इसके बाद हम चाय पत्ती डालेंगे, इसके साथ ही हम चीनी डाल देंगे। चाय पत्ती ने भी अपना पूरा कलर छोड़ दिया है और इसके साथ ही हम दूध डाल देंगे और गैस को सिम कर देंगे। चाय को उबाल आने के बाद हम इसे छान लेंगे। मसाला चाय की रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे meanewsmenu.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।